subscribe our channel and press the bell icon for more update. हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीएल में एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू अभी तक बना दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ये है पार्ट थ्री, इसमें हम 20 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, माइनिंग स्टिक इज यूज्ड फॉर। तो माइनिंग स्टिक का हम यूज़ किस लिए करते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीटिंग पर्सन, एंड ऑप्शन बी टेस्टिंग रूफ इनसाइड, एंड ऑप्शन सी सपोर्टिंग रूफ, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन बी टेस्टिंग रूफ इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, यह पूछा गया है इसमें। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 50/90, ऑप्शन बी 70/110, ऑप्शन सी है 100/140, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन बी 70/110। एंड इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43, हीट स्टॉक इज ड्यू टू। इसमें यह बोल रहा है कि लू लगने के क्या कारण है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्विमिंग इन रिवर, ऑप्शन बी ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर, एंड ऑप्शन सी ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाउड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसके राइट आंसर है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर, बी तेज गर्मी के कारण लू लगता है, ना कि नहाने से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया कि हाइट ऑफ बर्म इज, बर्म का क्या हाइट होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ व्हील, एंड ऑप्शन सी 5 मीटर, एंड ऑप्शन डी हाइट ऑफ व्हीकल। तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ व्हील। तो जो बर्म का साइज होगा वो व्हील के डायमीटर के हिसाब से रखा जाएगा, जितना उसका डायमीटर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, वुमेन इज अलाउड टू वर्क इन अ माइन। तो वुमेन को माइंस में अलाउ कितने समय से कितने समय तक किया जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिटवीन 7 PM to 6 AM, ऑप्शन बी है बिटवीन 6 AM to 7 PM, ऑप्शन सी है बिटवीन ब्रेक टाइम, एंड ऑप्शन डी है बिटवीन 10 AM to 5 PM। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिटवीन 6 AM to 7 PM, मतलब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक महिलाओं को काम पर रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46 है, रिटायरमेंट एज ऑफ अ वर्कमैन इज। तो इसमें बोला गया कि वर्कमैन का रिटायरमेंट एज क्या है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 58 ईयर, ऑप्शन बी 62 ईयर, ऑप्शन सी 60 ईयर, एंड ऑप्शन डी 65 ईयर। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो रिटायरमेंट का एज है 60 ईयर।
So next question is question number 47. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन अ माइन हाउ मैनी स्टेटरी मैनेजर आर पोस्टेड. तो इसमें पूछा गया कि एक माइंस में कितने मैनेजर पोस्टेड रहेंगे. तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 मैनेजर, ऑप्शन बी 3 मैनेजर एंड ऑप्शन सी 1 मैनेजर एंड ऑप्शन डी है नॉन. तो किसी भी माइंस में मैनेजर की जो संख्या है वो एक ही होगी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1. तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48. तो 48 में पूछा गया है कि हु इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अ माइंस. तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन सी ऑनर एंड ऑप्शन डी सर्कल ऑफिसर. तो नॉट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पूछा गया है. तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा सर्कल ऑफिसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49. तो इसमें पूछा गया है कि सर्वेयर इज डिप्लॉयड इन अ माइन फॉर, मतलब कि सर्वेयर का माइंस में क्या क्या काम है, वो क्या क्या काम करेगा. तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रिपेयरिंग प्लान, ऑप्शन बी अपडेटिंग प्लान एंड ऑप्शन सी है डेली रूटीन सर्वे एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो जो एक सर्वेयर होता है वो प्लान का प्रिपेयरिंग भी करता है और अपडेट भी करता है प्लान को, और डेली रूटीन भी है उसका कि वो सर्वे करके प्लान अपडेट करे. तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से वो सारे काम करेगा एक सर्वेयर. तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. तो क्वेश्चन नंबर 50 में यह बोला गया है कि द मेन यूज ऑफ कोल इन इंडिया इज, मतलब कोयले का मेन यूज इंडिया में किसके लिए होता है. तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्यूल फॉर कुकिंग, ऑप्शन बी है फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड ऑप्शन सी फॉर पावर जनरेशन एंड ऑप्शन डी फॉर फार्मिंग. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोयले का जो यूज़ है वो किस लिए होता है. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर पावर जनरेशन. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 है एज पर प्रोविजन ऑफ सीएमआर 2017 डेंजर जोन इज एन एरिया फिलिंग इन द रेडियस ऑफ. इसमें यह पूछा गया है कि सीएमआर 2017 के अनुसार डेंजर जोन का एरिया जो है वो कितने मीटर तक होना चाहिए. तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 500 मीटर एंड ऑप्शन डी है 300 मीटर. तो इसका जो एरिया है उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 500 मीटर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52. तो इससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा. तो एक क्वेश्चन यह है कि अंडरग्राउंड माइंस में जो होल होता है, जो होल करते हैं, तो दो होल के बीच की मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए, तो उसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, यह आपको आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में. तो आंसर दे दीजिएगा आपको पता है तो. तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52.
तो क्वेश्चन नंबर 52 है, बिफोर स्टार्टिंग डिक्लेयरिंग परमिशन हैव टू बी टेकन फ्रॉम। तो इसमें यह पूछा गया है कि डिक्लेयरिंग स्टार्ट करने से पहले हमें किसकी परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डीजीएमएस, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड ऑप्शन सी चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट। तो इसका राइट आंसर है जब हम डिक्लेयरिंग करने से पहले परमिशन लेते हैं वो है ऑप्शन ए डीजीएमएस का हम परमिशन लेते हैं यदि अपने माइंस में डिक्लेयरिंग स्टार्ट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, नोटिस ऑफ फैटल एक्सीडेंट और सर्विसेस बॉडली इंजरीज इज टू बी सेंट इन फॉर्म 4A टू रीजनल इंस्पेक्टर विद इन आवर। तो इसमें यह बोला गया है कि सीरियस बॉडी इंजरी होगी तो हम उसको फॉर्म 4A में रीजनल इंस्पेक्टर को कितने घंटे में भेजेंगे। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 24 घंटे में, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी है 72 एंड ऑप्शन डी है 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हम उसको 24 घंटे में भेजेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 है फुल फॉर्म ऑफ CIL। तो मेरे हिसाब से NCL का सबसे इजी क्वेश्चन रहा है ये। क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है। तो इसके ऑप्शन में क्या दिए गए थे ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेंट्रल इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी है कोल इंडस्ट्री लिमिटेड एंड ऑप्शन सी है कोल इंडिया लिमिटेड एंड ऑप्शन डी है सेंट्रल इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55 है फुल फॉर्म ऑफ NCL। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन रहा है तो इसका आंसर भी सभी को पता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन ए है नॉर्थ कोल लिमिटेड, ऑप्शन बी है नॉर्थ कोल फील्ड लिमिटेड एंड ऑप्शन सी है नॉर्थ सेंट्रल लिमिटेड एंड ऑप्शन डी है नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, ड्रैग लाइन इज यूज्ड इन। इसमें पूछा गया है कि ड्रैग लाइन को हम किस में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, इसका ऑप्शन आप सभी को पता होगा। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इन एयरक्राफ्ट रूट, ऑप्शन बी है एरियल रूट एंड ऑप्शन सी है सर्वे टूल एंड ऑप्शन डी है ओपन कास्ट माइंस। तो जैसा कि आप सभी को पता है इसके ऑप्शन में इसका राइट आंसर है डी ओपन कास्ट माइंस में इसका यूज होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो जो अंडरग्राउंड माइंस में गर्म गैस पाई जाती है CH4, तो उसका प्रबल विस्फोट का परसेंटेज क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 है इट इज एन इक्विपमेंट फॉर ओपन कास्ट माइंस। इसमें यह पूछा गया है कि ओपन कास्ट माइंस का इक्विपमेंट इनमें से कौन है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है डोजर, ऑप्शन बी है रोड हीडर एंड ऑप्शन सी है बर्न साइड बोरिंग ऑपरेटर्स एंड ऑप्शन डी है डबल ड्रम सीरर। तो आप सभी को पता है कि इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए डोजर इट राइट आंसर। डोजर आएगा इसका राइट आंसर में क्योंकि बाकी नीचे जो तीनों मशीनें हैं
वो सब अंडरग्राउंड मशीनें हैं, वो सभी अंडरग्राउंड माइंस में यूज होते हैं। एक सवाल और आपके लिए है कि जो ब्लैक डैम होता है वो उसका कितनी परसेंटेज में फ्लेम सेफ्टी लैम्प बुझ जाता है, तो इसका आंसर आप हमें बताएं कि ब्लैक डैम कितने परसेंट रहेगा तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प बुझ जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 इज इट इज़ नॉट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस। इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से कौन से चीज़ का ओपन कास्ट माइंस में यूज़ नहीं होता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्रिल, ऑप्शन बी रोड ग्रेडर एंड ऑप्शन सी है इंडलेस हॉलेज एंड ऑप्शन डी बेल्ट कन्वेयर। तो ओपन कास्ट माइंस में ड्रिल का यूज़ होता है, रोड ग्रेडर का भी यूज़ होता है और बेल्ट कन्वेयर का यूज़ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंडलेस हॉलेज। इसका यूज हम अंडरग्राउंड माइंस में करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। हम आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 59। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोल्ड हैंडलिंग प्लांट डज नॉट हैव दिस। तो इसका मतलब ये है कि कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में इनमें से क्या नहीं रहेगा। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रबर बेल्ट, ऑप्शन बी है साइड रोलर एंड ऑप्शन सी है कटिंग एज एंड ऑप्शन डी है ड्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कटिंग एज नहीं रहेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 इज वन दोज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव फर्स्ट एड किट। तो इसमें यह बोला गया है कि इनमें से किसको फर्स्ट एड किट रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओवरमैन को, ऑप्शन बी माइनिंग सरदार को एंड ऑप्शन सी असिस्टेंट मैनेजर एंड ऑप्शन डी ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ओवरमैन जो है माइनिंग सरदार और असिस्टेंट मैनेजर इन सभी के पास ये किट होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के अपडेट आपको मिलती रहे। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।